नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो फायर सर्विस में जो लोग काम करते हैं, जिनको फायरमैन या फायर फाइटर कहा जाता है, उनके लिए एक ये फायरमैन एक्स होता है और फायरमैन एक्स उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये आपका एक तरह से दोस्त है। जब हम फायर फाइटिंग करने जाते हैं तो फायरमैन एक्स हमारे पास होना चाहिए। इस फायरमैन एक्स, देखिए ये फायरमैन एक्स, इसको हिंदी में कुल्हाड़ी कहते हैं और इसकी ये जो आप हैंडल देख रहे हैं ये रबर का होता है, कहीं ये लकड़ी का भी हो सकता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये फोरगेट स्टील होता है। ठीक है, इसका ये बना होता है। ये बहुत ही मजबूत इक्विपमेंट है जिसको हम फायर सर्विस में हम लोग काम करते हैं। को 20,000 वोल्टेज पर टेस्ट किया जाता है और 2,000 वोल्टेज तक हम इस फायरमैन एक्स के साथ काम कर सकते हैं। अब जानना हमारे लिए ये जरूरी है कि फायरमैन एक्स मुख्य रूप से काम क्या करता है। देखिए फायरमैन एक्स फोर्सेबल जो एंट्री कहीं हमें करनी होती है वहां काम आता है, वेंटिलेशन के लिए काम आता है, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं वहां काम आता है, या कहीं फायर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं तो वहां भी फायरमैन एक्स काम आता है। फोर्सेबल एंट्री की बात करें तो मान लीजिए हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, कहीं हम फंस गए बिल्डिंग के अंदर, तो हमें निकलना है तो हमें अपने लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, दरवाजा तोड़ना पड़ सकता है, कोई विंडो तोड़नी पड़ सकती है, दीवार तोड़नी पड़ सकती है, तो ये फोर्सेबल एंट्री और एग्जिट के लिए ये काम करता है। दूसरी बात वेंटिलेशन, कहीं बिल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्मोक है तो हमें कहीं कोई वेंटिलेशन करना है, विंडो निकालनी है, दरवाजा निकालना है, या हमें स्मोक निकालने के लिए कहीं से कोई रास्ता तैयार करना है, तो ये फायरमैन एक्स आपकी बहुत मदद करता है। अगर आप कहीं फंस गए हैं अंदर बिल्डिंग में, कहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, आपको वायर काटना है, तो भी फायरमैन एक्स आपकी मदद करेगा। जब हम फायर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि फायर बेस कहां पर है तो भी फायरमैन एक्स हमारे साथ होना चाहिए। जब हम सर्चिंग ऑपरेशन करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तो फायरमैन एक्स की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये फायरमैन एक्स हम लोगों का दोस्त होता है एक तरह से देखा जाए तो फायरमैन एक्स के बारे में हर फायर फाइटर्स को पता होना चाहिए। और जब हम रेस्क्यू कर रहे हों, फायर फाइटिंग कर रहे हों, फायर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हों, तो ये इक्विपमेंट हमारे साथ होना चाहिए। ये इक्विपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फायर सर्विस के लिए।